हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी। बीपीएससी ने जो भी हाल ही में TRD 2 कंडक्ट कराया उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया, बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन एवेल्युएट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। सो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन एवेल्युएट, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सो नॉर्मली बच्चे करते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 लगाते हैं, देन ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाने के बाद में यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू निकालते हैं, देन दे विल पुट। तो उसमें ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को सिंपल करने का तरीका क्या है, देखिए आपको गिवन क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 4। सो नॉर्मली क्या कीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू दिस विल बी 4/3। क्लियर। अब देखिए इसको हम tan कैसे बना सकते हैं। तो इस वाले को अगर देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हम tan बनाने के लिए हमें पता है कि tan का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ अ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि हम इस न्यूमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, या सिंपली कहें कि कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, क्योंकि यहाँ से कॉस थीटा डिवाइड होके 1 हो गया होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस का 2 होगा। क्लियर। और जो हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है कॉस थीटा, वो यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप डिवाइड करा के इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan थीटा प्लस 2, और ये क्या लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस 2। यानी सिंपली आपको क्या करनी है, tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस 2। ऐसे यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो ये कितनी हो जाएगी, 4/3 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 3 4 12 और 3 2 6 एलसीएम लेंगे यहाँ से, ये 3 हो गया, ये 4 3 12 और 3 2 6/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे होगा 18 और ये कितना हो जाएगा 6, यानी 6 2 जा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया, 2। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू एवरीवन। और लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन।